हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हर फ्राइडे मूवी रिलीज होती है, लोग रिव्यूज करते हैं और रिव्यूज देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि मूवी को देखने जाएं या ना जाएं। ठीक है, 200 करोड़ की मूवी बनती है और एक क्रिटिक्स बैठ कर बोल देता है यार ये मूवी अच्छी नहीं है, ये बेकार नहीं है, और बाद में पता चलता है कि वो मूवी हिट हो गई, अचानक से काफी कमाया। बट उस क्रिटिक्स ने जो बात बोली कि मूवी को रेटिंग्स दिए, स्टार्स दिए, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? नेगेटिविटी आती है, कई लोग देखने नहीं जाते। जब मूवी बन रही है ना, मुझे जब मूवी ऑडियंस के लिए बन रही है तो ऑडियंस को डिसाइड करने दो ना भाई। क्रिटिक्स क्यों डिसाइड करते हो? फ्राइडे मूवी रिलीज होती है, फ्राइडे का अगले दिन ही बोल देते हो आप कि मूवी का स्टार नहीं है, मैंने 2 स्टार दे दिए, मैंने 3 स्टार दे दिए। अरे भैया, आपके स्टार देने से थोड़ी होता है कुछ, असली स्टार तो ऑडियंस है, असली स्टार तो आप लोग हो, दर्शक है, तो उनको डिसाइड करने दो ना, आप अपनी रेटिंग क्यों देते हो? इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए ये चैनल। नीचे दिए गए नंबर को आप नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आप अपने खुद के कमेंट और रिव्यूज मुझको सेंड करेंगे। अब वो ऑडियो भी हो सकते हैं या फिर कोई वीडियो भी हो सकता है। सपोज आपने मूवी देखी, आपको थोड़ा सा टाइम मिला, आपने फटाफट इस नंबर पे मुझे फोन किया, मैं और आपने रिव्यूज दे दिए, या फिर आपने अपना कोई वीडियो शूट कर दिया रिव्यूज देते हुए, तो मैं उस रिव्यूज को और उस ऑडियो को जो आपके अपने ओरिजिनल रिव्यूज होंगे, जिस तरह से आपको किस तरह से फील हो रहा है, उसको मैं अपने इस चैनल पर दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हम फेक रिव्यू से बचेंगे और मूवी का सही से रिव्यू देंगे। ये नहीं कि यार कोई भी बैठ गया स्टार दे रहे हैं, फ्राइडे मूवी रिलीज हुई देख लिया, पेड पैसा देके स्टार रिव्यूज दे रहे हैं, पैसा देके क्रिटिक्स रिव्यू दे रहे हैं। क्रिटिक्स के लिए बनती है क्या मूवी? मूवी बन रही है आपके लिए, तो आप दो ना यार रिव्यू, आप भेजो मुझे अपने रिव्यूज। नीचे नंबर आ ही रहा होगा, इस नंबर को सेव कर लीजिए, मेरा ही नंबर है। इस नंबर पे आप जब भी फ्राइडे को मूवी देखेंगे, आप मुझे अपने रिव्यूज ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में सेंड करेंगे एड्रेस और नाम के साथ, और मैं आपके इस रिव्यूज को, वीडियोस को, ऑडियोस को अपने इस चैनल पर दिखाऊंगा, ताकि बाकी लोग भी देखें कि ओरिजिनल रिव्यूज क्या होते हैं। ये नहीं कि जाए तो लोगों से पूछ लिया क्या मूवी अच्छी खासी मूवी बनी हुई है 100 करोड़ की, उसे 75-80 करोड़ में फेल करा दिया। इतनी मेहनत एक मूवी बनाने में कितने लोग लगते हैं? अब अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो वो बाकी लोगों को काम नहीं मिलेगा यार। सोचो ना, जो ओरिजिनल, जो जेन्युइन चीज है आप उसको दो, आप उसको दिखाओ कि क्रिटिक्स का क्या सिस्टम है, ये मूवी अच्छी है, ये मूवी बेकार है, 2 स्टार दे दिए। आजकल लोगों का भी ये हो गया कि जाते क्रिटिक्स के रिव्यू देखने के बाद मूवी। हाँ ठीक है, कभी कभी क्रिटिक्स भी सही होते हैं, लेकिन ऑडियंस को जज तो करने दो। अब मेरे हिसाब से मिशन मंगल, अक्षय कुमार की मूवी मिशन मंगल को 350 करोड़ रुपए कमाने चाहिए थे, कमाए कितने? 200 करोड़। एक क्रिटिक्स ने बोला कि ये थोड़ी वुमेन सेंट्रिक मूवी है, थोड़ा स्लो पेस है। भाई कितने लोग नहीं गए होंगे देखने के लिए, है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप अपने रिव्यूज ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में मुझे सेंड कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। इस फ्राइडे मूवी रिलीज होने वाली है आपके अपने फेवरेट सुपरस्टार सनी देओल की मूवी, या सनी देओल की ही मूवी बोलूंगा मैं, डायरेक्टेड बाय सनी देओल और उनके बेटे करण देओल इस मूवी से रिलीज हो रहे हैं। तो देखेंगे इस मूवी का, आप अपने रिव्यूज मुझे सेंड कीजिए ऑडियो और वीडियो। सबसे पहले भैया मूवी को फ्लॉप होने से बचा लो, और यार एक बात, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और नीचे जो कमेंट है ना, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी बताओ, वो बहुत जरूरी है किस तरह से। और याद रखना, ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, ये जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप इस फ्राइडे मूवी देखने जाएंगे पल पल दिल के पास, उसके बाद अपना जेन्युइन ऑडियो और वीडियो मुझको सेंड करेंगे या फिर मुझे कॉल करके बताएंगे।
अपने रिव्यूज को, ताकि हम उन्हीं रिव्यूज को फटाफट से अपने इस चैनल पे डालें, ताकि लोग उन जेन्युइन रिव्यूज को देखें और मूवी को देखने जाएं। मैं नहीं चाहता यार कोई मूवी फ्लॉप हो, सारी मूवी अच्छी होती है। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके रिव्यूज के साथ।